नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मी सिंह राजपूत, प्रस्तुत है समाचार। आदिवासी क्लब के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। आज दिनांक 9 अगस्त 2020 को आदिवासी क्लब कांठी कुंड गोपी कांदर के तत्वाधान में विश्व आदिवासी दिवस सामाजिक दूरी के ध्यान में रखते हुए मनाया गया। क्लब के द्वारा इस बार विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर समाज को यह संदेश दिया गया कि आजादी के बाद आदिवासियों की रक्षा के लिए कई कानून बने, जैसे कि पेशा, पांचवी अनुसूची, साथ ही अन्य ऐसे कानून बने, लेकिन आज भी आदिवासी सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, शैक्षिक सुरक्षा प्राप्त नहीं हुआ है। आज भी आदिवासियों का मुख्य धरोहर माझी थान, जाहिर थान सुरक्षित नहीं है। आज आदिवासी संथाल की पहचान विलुप्त होने की स्थिति में है। जाहिर थान एवं माझी थान संथाल आदिवासी का मुख्य पहचान है। आदिवासी आज अपने ही क्षेत्र में रोजगार से वंचित हो रहे हैं। कोयला एवं पत्थर उद्योग धड़ल्ले से हो रहा है, जिसमें बाहरी लोग हावी हो रहे हैं, जो अत्यंत चिंता का विषय है। आदिवासी क्लब इन्हीं विषयों पर आदिवासी को जागृत करने के उद्देश्य से बने हैं। आज मुख्य रूप से बिडोमनास हेम्ब्रोम, राजकिशोर मरांडी, रोनिंद्रा मरांडी, रोशन मुरुम, होरोंड मुर्मू, ब्रजेश हेम्ब्रम, दीपक सोरेन, सुरेश मुर्मू, जगन्नाथ हादसा, मदन मिसिल हेम्ब्रम, चुंद मुर्मू, शिखा मुर्मू, शमसुल हेम्ब्रम, सुहागनी मोहन हादसा, बहा सोरेन, श्री जोल टुड्डू, ग्रीस मुर्मू, जॉन सोरेन, सुनील सोरेन के साथ सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि विलियम मुर्मू तथा सभा का संचालन श्री एनएमओ बेल हादसा ने किया। सभा को क्लब के कार्यकारी अध्यक्ष श्री बिमल सोरेन ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त की। अपने आसपास के खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।